आपको ये जो दूब है दोबड़ी दुर्वा, ये दुर्वा की क्या औकात है जो पांच फुट बढ़ जाए, पांच फुट दस फुट बढ़ जाए, लेकिन बाढ़ में जो दूब उगती है ना वो बाढ़ से ऊपर निकल जाती है। घास फूस की बाढ़ में जो दूब होती है ना वो बाढ़ से ऊपर निकल जाती है, और दूब का एक तंतु अकेला टिक नहीं सकता, लेकिन बाढ़ का सहारा मिल जाता है तो पांच फुट सात फुट बाढ़ तक निकल जाती है, उस बाढ़ को हरा कर देती है सूखी बाढ़ को दूब। इसलिए आप माताओं आप दुर्वा स्वरूप हो, आप चाहो तो सूखी बाढ़ को हरा कर सकती हो थोड़ा सहारा प्राप्त कर सकती करके, आप चाहो तो लता बन करके सूखे हुए पेड़ को भी हरा कर सकती हो, लेकिन लता बनना पड़ेगा। अरे समझो भाई क्या है, बोल दो उसको बिल्कुल। तो सुशीला थी वह सुदामा जी पत्नी, उनके अनुकूल जीवन जिया करती, घर में जो कुछ है उसी में पति पत्नी निर्वाह करते, और उनके मन में कोई कामना नहीं थी, वह खाऊ फाड़ू करके अपने पति को परेशान नहीं करती थी, ये भी लाओ वो भी लाओ, वो बेचारी सोचती जो प्रयास कर रहे हैं भगवान की वर्दी से जो मिल रहा है वह हमें स्वीकार है। अरे देखो भाई क्या कोई धन प्राप्त करके आप खुश रह सकते हैं कोई, जब तक परमात्मा ने खुशी नहीं लिखी है, जब तक आपके अंदर से खुशी प्रकट नहीं हुई है तब तक आप उसको उपयोग में नहीं ला सकते, आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए धन हो पद हो उसका उपयोग ले, उसको उपभोग मत करो। और आज समाज में उपभोक्तावाद फैल रहा है, उपभोग कीजिए, ये उपभोग ही दुखों का मुख्य कारण है। उपयोग से कोई चीज परेशानी का कारण नहीं बनती है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला आज उनके पास में आई, उनके सुशीला की एक ही साड़ी थी और वो भी थोड़ी थोड़ी फट गई थी, आके बोलती है पतिदेव अब तो निर्वाह बड़ी मुश्किल से हो रहा है, एक ही साड़ी है और ये भी अब जवाब दे रही है। सुदामा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं कथा वार्ता करने जाऊंगा, जो मुझे मिल जाएगा मैं जरूर व्यवस्था करूंगा। सुदामा जी कथा वार्ता भगवान ने किया करते, उसमें जो भी मिल जाता उसमें प्रसन्न रहते। आज कथा वार्ता करने आए लेकिन उनको साड़ी नहीं मिली, घर आए सुशीला भी नाराज नहीं हुई, ऐसा नहीं कि भाई आप लाए क्यों नहीं, मांग लाते ये कर लाते वो कर लाते, नहीं पतिदेव कोई बात नहीं है जैसी भगवान की मर्जी। आज सुशीला फिर पतिदेव के पास बैठी और एक बात याद दिलवाती है, महाराज एक बात कहूं, बोले हाँ सुशीला कहो। महाराज जब आप गुरुजी के आश्रम से आए थे तब आपके आपने कहा था कि मेरे एक मित्र हैं उनका नाम है श्री कृष्ण, बोले हाँ सुशीला है ना मेरे मित्र कृष्ण। बोले पतिदेव जब आप गुरुजी के आश्रम से आए थे तब आपने कहा था कि आपके मित्र ने आपको न्योता दिया है, आपको एक बार अपने पास में बुलाया है। बोले हाँ सुशीला कन्या ने मुझे कहा तो था कि एक दिन मेरे पास जरूर आना, लेकिन क्या करूं समय मिला नहीं। पतिदेव मैंने सुना है कि आजकल वो गायों के ग्वाले नहीं है, जिस समय तो आप गुरुजी के आश्रम में रहते थे उस समय तो वो गायों के ग्वाले थे, आजकल वो बहुत बड़े राजा बन गए हैं, द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश बन गए हैं। महाराज अपने मित्र से मांगने में कोई हर्ज नहीं है, आप जाओ और अपने मित्र से कुछ मांग के लेके आ जाओ, हमारी समस्या दूर हो जाए। देखो अब पहनने के लिए साड़ी नहीं है, खाने के लिए आज भगवान के भोग लगाने के लिए घर में अन्न ही नहीं है। सुदामा जी को जब मांगने की बात कही तो थोड़ी तरंग आ गई, सुशीला आपने सोच कैसे लिया कि मेरे मित्र के पास जाऊं और मैं हाथ मिला लूं उनसे मांग लूं कि लाओ कन्हैया मेरे पास कुछ नहीं है मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो। सुशीला मैंने कभी मांगा नहीं है, मैंने दिया ही दिया है। बंधुओं
नरसिंह मेहता कोई गरीब थोड़ी थे। नरसिंह मेहता ने करोड़ों की संपत्ति भगवान के भक्तों में लुटा दी थी, संतों महात्माओं में भक्तों में लुटाई थी। सुदामा जी कोई गरीबी हालत अपने कारण से थोड़ी है, उन्होंने अपनी संपत्ति को अपने धन को भक्तों में वितरित कर दिया, बांट दिया, दुखी दर्दियों में बांट दिया है। सुजला मैंने कभी किसी लिया है, हाथ फैलाया मैंने कभी, तूने मांगने की बात कैसे कही। बेचारी सुदामा जी की पत्नी सुशीला सामने आई, हाथ जोड़ के बोल के, बड़ी पतिदेव मैं तो आपके अर्धांगिनी हूं, आपकी दासी हूं, मुझे होश ही नहीं है क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। पतिदेव मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो आप मुझे माफ करना, बड़ी भूल हो गई। सुशीला तो बोल रही थी और सुदामा जी चेहरे को देखा तो सुदामा जी आंखों में से टप 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 आंसू पड़ रहे थे। सुशीला ने फिर हाथ जोड़े, महाराज मैं दासी हूं आपकी, और आपकी इस सेविका की एक छोटी सी बात का इतना बुरा मान गए आप इतने दुखी हो गए कि आप बिलख रहे हैं, महाराज मुझे माफ करना, मैं कैसी जड़ पत्नी हूं आपकी जो आपको मैंने पीड़ा पहुंचा दी है, मैंने हर बात का ख्याल किया है, सावधानी बरती है, लेकिन आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। जब ऐसा सुशीला बोल रही थी सुदामा जी बोल पर सुशीला ऐसी कोई बात नहीं है तो क्या बात है। अरे सुशीला तूने तो आज मेरे मित्र की याद दिलवा दी, मुझे मिले हुए कितने कितने साल हो गए हैं। जब हम गुरुजी के आश्रम में दोनों भाई रहते थे तो हम गुरुजी चरण दबाया करते, वन में से लकड़ियां फल पुष्प इकट्ठे किया करते, और सुशीला जब भी समय मिलता तो कन्हैया मुझे पेड़ पौधों के झुरमुट में ले जाके बिठाते और बांसुरी बजा के सुनाया करते, उन गोपियों की याद करते हुए भिलकते हुए कन्हैया मुझे अपने बालपन की एक एक बात बताया करते। सुशीला मेरा जो मित्र कृष्ण है ऐसा तो इस सृष्टि में कोई नहीं है, अब तो मेरे मन में उसके मिलने का भाव भी बहुत उमड़ आया है। सुशीला सामने आई, हाथ जोड़ के बोल पड़ी, पतिदेव जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, आप एक काम करो द्वारिका जाओ, अपने मित्र से मिलकर के आओ, और महाराज एक बात कहूं, श्री कृष्ण आपको कुछ देवे तो भी लाना नहीं है आपको, आप लेकर के आ गए तो मैं सोचूंगी कि आप मान के लाए हैं और मेरी बात का बुरा मान के आप लेके आए हैं, आपको लाना कुछ भी नहीं है। सुशीला बात तो तुम्हारे उचित है, मैं जाऊं लेकिन मेरे मित्र को अपने भक्तों का घर का प्रसाद बड़ा प्रिय लगता है, एक काम करो अंदर जाओ और कोई प्रसाद लेके आओ। अब तो बेचारी को मालूम था घर में तो आज भोजन ही नहीं बना था, भगवान के भोग ही नहीं लगा, क्या लाऊं कहां से लाऊं। सुशीला कोने कोने में ढूंढते कहीं एक भी कण मिल जाए तो आस पड़ोस के तीन घरों में जाती हैं, तीन मुट्ठी चावल मांग के लाई, कटोरे के अंदर सुदामा जी के सामने गई, लो महाराज। सुदामा जी हंस पड़े, सुशीला मैं इस पात्र में लेके थोड़े जाऊंगा, मैं कोई भिकमंगा थोड़ी हूं पात्र में लेके जाऊंगा, और उस पात्र में लेके जाऊंगा तो मेरा मित्र कन्हैया सोचेगा कि कहीं से मांग के लाया है। अरे वो अब राजा बन गए हैं और बड़े आदमी के पास जाते हैं तो व्यवस्था से जाते हैं, थोड़ी अदब के साथ में, थोड़ा एक ढंग से जाते हैं, उनका एक सलीका होता है। आप एक काम करो घर में जाओ कपड़े में बांध के लाओ। तो सुशीला घर में गई, घर में कहीं पर कोई कपड़ा नहीं था, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ती हैं, चावल डाले, गांठ लगाने लगी तो सुशीला भगवान के प्रेम में जब आंसू बहाती तो साड़ी के पल्लू से आंसू पहुंचते पहुंचते साड़ी गल चुकी थी, तो गांठ लगाने प्रयास किया तो चावल नीचे गिर गए। अब तो मानो वज्रपात हो गया हो, हे प्रभु
ये मेरी साड़ी भी अब आपके प्रसाद के भार को वहन करने में समर्थ नहीं है। दुखी मन से साड़ी के लंबे पल्लू को खींचा है, उसको फाड़ा है, दो व्रत किए हैं। जब पल्लू को फैलाया तो सुशीला की आंखों से टप 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 आंसू चावल में गिर जाते हैं। गांठ लगाई बड़ी सावधानी से। सुशीला मन में सोच रही है, मेरे पति तो विरक्त हैं, त्यागी हैं, इनको तो दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरा आंचल का पल्ला, मेरा आंचल का पल्लू जब कन्हैया के सामने प्रसाद के लिए फैलेगा, तब मेरे घर की स्त्री बयान करेगा कि ये सुदामा कैसे जी रहा है, सुदामा की हाल क्या है। गठरी ले जाके सुदामा का दिलो महाराज, ये प्रसाद आपके मित्र के लिए। महाराज आप द्वारिका जाओ तो मुझे भूल मत जाना। अपने मित्र के पास जाकर के थोड़े समय रह करके जल्दी मुझे याद करना, आप जल्दी लौट आना। सुदामा जी गठरी खंधे पर रखा है, लोटा डोर अपने हाथ में लिया है और बड़े प्रेम से कृष्ण कृष्ण जपते हुए घर से प्रस्थान करते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा जपते हुए बड़े प्रेम से अपने घर से प्रस्थान करते हैं। अब देखो भाई, बार बार भावोद्रेक, भाव का उद्रेक ऐसा हो रहा था कि हृदय जैसे मानो कि बाहर निकल के आएगा। आंखों में तप तप अजस्त्र धारा बह रही थी कन्हैया के दर्शन के लिए। सुदामा जी चल रहे थे रास्ते में, कहीं पर खाने के लिए मिला, कहीं पर भूखे रहे, कहीं जल पीने के लिए मिला, कहीं प्यासे रहे। सुदामा जी कई दिन हो गए चलते हुए, आज इतने थक जाते हैं
कि एक एक कदम उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, आंखों में आंसू हैं और कदम उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नैनों में आंसू उठे ना कदम है, आंखों में आंसू है, कदम उठाने मुश्किल हो रहे हैं। दोपहर की भयंकर धूप पड़ रही थी, चलते चलते रास्ता भटक जाते हैं, जिस रास्ते चल रहे थे वह रास्ता जंगलों में जाकर के ओझल हो गया। जंगलों में क्या होता है कि रास्ता जाके एकाएक बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो गया, चारों ओर कांटे बिखरे हुए थे, पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। सुदामा जी भूमि पर गिर पड़ते हैं और भगवान को पुकारे, प्रभु क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, एक दुख नहीं है जो तुमसे छिपाऊं, एक दुख नहीं है जो तुमसे छिपाऊं, घट की जानते हो तुम हे मुरारी, घट की जानते हो तुम हे मुरारी, तुमको पुकारे तेरा सुदामा पुजारी, तुमको पुकारे तेरा सुदामा पुजारी। सुदामा जी दोपहर की सिलसिले धूप, पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, छाले फूट गए, रक्त बहने लगा, दुखी होके कह रहे हैं कन्हैया मैं गरीब हूं, दीनहीन हूं, मैं तुम्हारे से मिलने आ रहा हूं। अरे तुम्हें तो कभी सुदामा की याद भी नहीं आई होगी, जिस समय तो गुरुदेव के आश्रम में गायों के पीछे नंगे पांव भटकता था, जब वनों के अंदर साथियों के साथ में गायें चरण जाता था, तब तो तुझे मालूम था कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। अरे अब तो द्वारिका का राजा बन गया है, तुझे क्या पता पीड़ा क्या होती है। लेकिन जब तक मुझ में प्राण रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कृष्ण एक बार से दर्शन कर लूं। अब तो मैं तो डगर दिख रही है, न मार दिख रहा है। सुदामा जी भूमि पर पड़े हुए छड़ी के सहारे से बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं और चलने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो डगर है, सुदामा पुजारी।
तो सुदामा जी इतने थक चुके थे, न तो कदम उठ रहा है, खून पैरों से बह रहा है, छाले फूट गए हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भूमि पर गिर पड़ते हैं और अब इतने दुखी हो गए हैं कि भगवान को पुकारते, प्रभु अब तो जीना मुश्किल है। हे कन्हैया, जो जीवन आपने दिया है उसको वापस ले ले। मेरे मन में तो कामना थी कि मैं आपके दर्शन कर लूं, लेकिन कन्हैया अब मैं अशक्त हो गया हूं। सुदामा जी बड़े दुखी होकर भगवान को पुकार रहे हैं। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। सुदामा जी बड़े दुखी होकर भगवान को पुकार रहे हैं, हे गोविंद, हे कन्हैया, अब मैं थक चुका हूं। हे कृष्ण, अब मेरा शरीर इस लायक नहीं है कि मैं और रास्ते बढ़ जाऊं। पुकारते पुकारते सुदामा जी भूमि पर गिर पड़ते हैं। अब तो दोपहर का समय था, भगवान श्री कृष्ण सभा में बैठे थे, एकाएक भगवान को ध्यान आया, अरे मेरा मित्र, मेरा सुदामा कितने दिनों से पीड़ा पा रहा है। भगवान बिलख उठते हैं, लेकिन भगवान लीला करते हैं तो पर्दे के पीछे करते हैं। शाम तक भगवान बिलखते रहे, अरे सुदामा तू कितना कष्ट पाया है। शाम का समय हुआ, बेहोश सुदामा जी को भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, फला फला वन के अंदर मेरा मित्र सुदामा बेहोश हालत के अंदर पड़ा हुआ है, उसको उठाओ वहां से। और द्वारिका के बाहर एक सरोवर किनारे पर बड़ का पेड़ है, वहां लिटा दो। एक क्षण मात्र में ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय हो गई। सुबह का समय हुआ, सुदामा जी में कुछ ताजगी आती है। देखो भाई, भोर का समय ऐसा ही है, सूखा हुआ ठूंठ भी हरा हो जाता है भोर के समय, सूखे सुबह के समय में। कितना ही बीमार व्यक्ति हो, प्रातः काल में उसमें नवीन प्राणों का संचार होता है। सुदामा जी में कुछ शरीर में बल महसूस हुआ, छड़ी के सहारे खड़े हुए, मन में सोचते कन्हैया आऊंगा तो मैं ही, तू थोड़े आएगा। अरे तू तो राजा बन गया है, बड़ा महाराज बन गया है, तू तो सुदामा जैसे गरीब मित्र को भी भूल गया होगा, लेकिन मुझे तो याद है, हमने गुरुदेव के चरणों की सेवा दोनों साथ में की है।
सुदामा जी की नजर पड़ी एक तरफ तो एक तालाब पानी का भरा हुआ था। अब वो आते हैं, सब ठंडे जल में स्नान किया है, छक्कर जल पिया है। जल पान करने से मानो कि बुझते हुए दीपक में किसने घी डाल दिया हो, कुछ प्राणों को बल मिलता है। छड़ी के सहारे गर्दन झुकाए झुकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सुदामा जी ने सामने थोड़ा ऊपर सर किया तो एक बड़ा बड़े महलों का नगर दिखाई पड़ा। नगर में प्रवेश करने लगे, कुछ लोग मिले, उनसे पूछा, बंधुओं ये कौन सा नगर है? बोले, महाराज आपको कहाँ जाना है? सुदामा जी ने कहा, मुझे द्वारिका जाना है। बोले, महाराज यही द्वारिकापुरी है। अरे मित्रों, मेरे मित्र, कान्हा का महल कौन सा है? कान्हा का निवास कहाँ है? अब तो द्वारिका वासियों को मालूम था कि जो नंगे हाल हैं, फटे हाल हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, ऐसे दीनहीन दुखी गरीब व्यक्ति हमारे प्रभु को मनाते हैं। जिनके पास शान शौकत है, ऐसो आराम है, वो तो अपने शान शौकत के अंदर प्रभु को भूल जाते हैं। दीन दुखी है वही तो आते हैं द्वारिका में। बोले, महाराज जिस रास्ते पे चल रहे हो ये सही रास्ता है, राजमार्ग है ये, सामने बड़ा महल दिखाई देगा, वही आपके मित्र का निवास है। अब तो सुदामा जी आगे से तेजी से आगे बढ़ते हैं। राजमहल का बड़ा प्रकोटा था, प्रकोटे में प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल खड़े कर उन्होंने रोक दिया। अरे भैया कौन हो, हमें बिना पूछे अंदर प्रवेश कर रहे हो? सुदामा जी भगवान के प्रेम इतने पागल हो रहे हैं तो कहा, मेरा कान्हा रहता है यहाँ पर, मेरे कान्हा से मिलने जा रहा हूं। द्वारपालों ने सुदामा जी ऊपर से नीचे तो देखा कि फटी पुरानी धोती, टेढ़ी मेढ़ी छड़ी, ऐसी हालत, और ये हमारे राजा का मित्र। और द्वारपाल ने कहा कि महाराज यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका मित्र होने लायक हो, आपका मित्र के लायक यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। द्वारपाल ने प्रवेश नहीं दिया। सुदामा जी वहीं बैठ गए। दो चार छह घड़ी बीती, दूसरे द्वारपाल आ गए, उन्होंने प्रवेश नहीं दिया। वापिस वही द्वारपाल आए, उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को, फटे हाल व्यक्ति को वहीं बैठे देखा। अब तो सुदामा जी की आत्मा जग जाती है, ब्राह्मण तो जग गया सुदामा जी में। सुदामा जी ने कहा, रे मैं कोई लेने थोड़ी आया हूं, मैं तो चार मुट्ठी चावल मेरे पास जो है वो देने आया हूं। तेरे मन में मिलने का भाव नहीं है तो इतनी गरज सुदामा को भी नहीं है। सुदामा जी झट से खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार हुए तो फिर मन में विचार आ गया, यदि मैं बिना सूचना चला जाऊंगा तो कन्हैया कहेगा कि भाई मैं तो राजा था, मुझे सूचना मिली नहीं, बिना सूचना कैसे आता? तो द्वारपालों के पास में गए, हाथ जोड़े। सुदामा जी बोल पड़े, अरे बंधुओं, द्वारपालों, अब सुदामा जी दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं। उस समय तो कहा कि कान्हा मेरा मित्र, अब कहा कि हे द्वारपालों, अपने द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज ठाकुर कृष्णचंद्र से जाके कह दो, एक फटे हाल, एक अति नंगा व्यक्ति आया है, अपना नाम सुदामा बताया है। अरे द्वारपालों, मेरे कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा तेरा याद आ गया, मिलने महल गया है, तुम्हारे महल में गरीब आ गया।
द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों जाके ठाकुर कृष्ण से कह दो कि ये कोई व्यक्ति आया, अपना नाम सुनाओ बताया है। अब देखो भाई द्वारपाल तो बेचारे जब ऐसा ठाकुर कृष्ण महाराज राजाधिराज ऐसा नाम लिया, तब सोचा भाई अब जाना ठीक है, तो वो दौड़ के गए वहां पर। द्वार के बीच में और रनिवास के बीच में लंबी दूरी थी, द्वारपालों को जाने में समय लगा। सुदामा जी ने सोचे कि इनका निवास तो आसपास में होगा, और बेचारे द्वारपाल ने सूचना की है, लेकिन उसने कह दिया होगा कि मेरा ऐसा कोई मित्र नहीं है। अब देखो भाई सुदामा जी अपने आप ही मन में बात घटित कर ली कि उसने मना कर दिया होगा, मेरा ऐसा कोई फटे हाल नंगा व्यक्ति नहीं है, मेरे तो बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े मित्र हैं। तो सुदामा जी नाराज होकर यहाँ से चल देते हैं, और इधर द्वारपाल भगवान को सूचना करते हैं। नजर पे है पगड़ी न तन पे है जाना, नजर पे है पगड़ी न तन पे है जाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन को जाकर द्वारपालों ने जाकर सूचना की, महाराज एक व्यक्ति आया, अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान सभा में बैठे हुए थे, द्वारपालन का महाराज एक नंगे हाल फटे हाल व्यक्ति आया है, नाम सुदामा बताया है। सुदामा आ गया? बोले हाँ महाराज आ गया। अब तो भगवान झटके से ऐसे खड़े हुए कि मुकुट नीचे गिर पड़ा, तेजी से तोड़े कि भगवान का दुपट्टा भूमि पर गिर पड़ता है नंगे पांव, क्योंकि भगवान को तो सुदामा जी अभी बार पता था, उनको मालूम था कि सुदामा को जल्दी क्रोध आता है, नाराज जल्दी होते हैं। अरे सुदामा मेरा मित्र सुदामा आ गया है, जो नगर के लोग देखते हैं कि हमारे द्वारकाधीश ठाकुर कृष्णचंद्र छत्र चमर के साथ में जय जयकार के साथ बाहर निकलते हैं, वो द्वारकाधीश आज नंगे पांव बिना मुकुट के बिना दुपट्टे के दौड़ते हुए जा रहे हैं। सुनते ही दौड़े मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है। अब तो भगवान पहुंचे द्वार पर, वहां सुदामा जी मिले नहीं। अब तो नगर में दौड़ पड़े, सामने सुदामा जी जा रहे थे, कन्हैया जाकर भाव में भर लेते हैं, अरे सुदामा इतना भी क्या क्रोध करते हो भैया, राज के कार्य में लगा हुआ था, चलो भैया। सुदामा जी नाराज हो गए। सुदामा जी बोल पड़े, कन्हैया क्या दरबार में तुम्हारे को खबर नहीं दी, क्या तो नींद में सोया हुआ था, क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ी तेरे को? आवाज मेरी पहुंची नहीं क्या, दरबान ने तुझको खबर दी नहीं, कहा कन्हैया आवाज मेरी आवाज नहीं सुनाई दी,
क्या दरबार में खबर नहीं दी? क्या तो नींद में सोया हुआ था? भगवान ने कहा सुदामा सब गलतियां मेरी हैं, चलो मेरे साथ में। अब तो प्रभु ने सुदामा जी के कंधे पे हाथ रखा है और बड़े प्रेम से राजमहल में प्रवेश दिया है। रुक्मणी आदि पटरानियां देखकर बड़ा आश्चर्य करते हैं, नगरवासी देख रहे हैं, अरे देखो आज कितना विशेष भक्त आया है, भगवान कैसा मित्र आया है। हर रोज तो मंत्री संतरियों को अगवानी करने भेजते हैं, लेकिन आज नंगे पांव भगवान बिना दुपट्टे के बिना मुकुट के जाकर के इसको अगवानी करते हुए सम्मान से कितने सम्मान से प्रवेश दिया है, राजमहल में लेकर आए हैं और अपने सुंदर सिंहासन के ऊपर सुदामा जी को विराजमान करवाया है भगवान ने। खुशी का समान भगवान की जय हो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी मेरे परम मित्र परम सखा तपस्वी ब्राह्मण सुदामा आए हैं, जरा जल लेके आओ, इनके चरण पकारते हैं। अब तो भाई सोने कलश में जल लेके आए हैं, स्वर्ण की एक परात सामने रखी है, सुदामा जी चरणों को भगवान पकारते हैं, कहते हैं पानी परात को हाथ जियो नहीं, नैन के जल सौ पगत होए, परात के पानी को हाथ नहीं लगाया, अपने आंखों के जल से अपने परम मित्र सुदामा जी के पैरों को धोया है। भगवान ने बड़े प्रेम से चरण पकारे हैं, कहते हैं कि सुदामा जी के पैरों में जब कांटे देखे भगवान ने तो अपने दांतों से सुदामा जी पैरों के तलों में से कांटे निकाले हैं। अरे सुदामा हाय महादुख पायो सका, आए इतने कितने दिन खोए, अरे सका तुमने इतने दिन कहां खो दिए। अब तो भाई भगवान बोल पड़े, सुदामा क्या घर से आ रहे हो? बोले हाँ भैया घर से आया हूं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि देखो मेरे चरण भी स्वर्ण के परात में धुलाए धुलाए जा रहे हैं, इतना इसका कितना बड़ा वैभव है, कितना ठाट बाट है, मैं जो प्रसाद लेके आया हूँ उसका क्या आदर होगा, क्या महत्व तो होगा। सुदामा जी काख में प्रसाद छुपा रहे हैं, भगवान आगे बढ़ते हैं और झपट करके सुदामा जी के काख में से प्रसाद की गठरी को ले लेते हैं और गांठ खोलते हैं। झपट करके गठरी को ले लिया और प्रसादी गांठ खोलते हैं और एक मुट्ठी खुद ने फाकी, दूसरी मुट्ठी मुख में ली है, तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान अपने भक्त को आपने दो लोगों की संपत्ति लुटा दी है, प्रभु कुछ तो हमारे लिए रखिए। वो बचा प्रसाद रुक्मणी को दिया है, रुक्मणी जी अपने इस प्रसाद को पूरे नगर में बंटवा दीजिए। उस प्रसाद को पूरे नगर में बंटवाया है बड़े प्रेम के साथ में, सारे नगरवासी उस प्रसाद को पाकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, छप्पन भोग लगाया है और जब थोड़े विश्राम करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण पास में आते हैं और सुदामा जी के पैर दबाते हैं। जब चरण दबाए सुदामा जी को नींद आ गई। घड़ी दो घड़ी विश्राम के बाद में सुदामा जी जब जगे तो भगवान ने कहा, सुदामा तू आया नहीं, इतना लंबा समय कहां लगा दिया? भैया हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सुदामा जी बोल पड़े,
कन्हैया बोल पड़े सुदामा तू आया क्यों इतनी देर कहाँ लगाए तूने क्या करते तेरे सुदामा तुम हमसे दूर रहके मैं तो एकांत में बैठ करके तेरा ही नाम लिया करता आपका ही भजन किया करता। अब तो सामने रुक्मिणी जी हाथ जोड़ी खड़ी थी, भगवान ने कहा रुक्मिणी जी मेरे परम मित्र तपस्वी ब्राह्मण सुदामा जी आए हैं, अपने सभी सखियों से कहो आकर आशीर्वाद ले। अब तो भाई 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 5000 ऐसे भगवान की पटरानी आती है प्रणाम करने के लिए। सुदामा जी अखंड सुबह की भव अखंड सुबह की आशीर्वाद देने थक जाते हैं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया क्या तूने पूरे नगर को न्योता दे दिया है। भगवान बोल पड़े भैया अभी तो तुम्हारी बहुरानियां पूरी नहीं आई हैं, 16,108 बहुरानियां हैं तुम्हारे और एक भी पीर नहीं गई हुई है, सब किस्म यही मौजूद है। सुदामा जी ने कहा मैं थका हुआ हूँ, जो जहां पर हैं उनको मैं अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। सुदामा जी ने सबको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दान किया है। दोनों भाई कई दिनों तक द्वारिका में रहते हैं। एक दिन सुदामा जी हे कृष्ण क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम गुरुजी के आश्रम में रहा करते थे, जब हम गायों के पीछे वनों में जाया करते थे। कन्हैया गुरुजी चरण दबाते थे, अपने हाथों से गायों के गोबर को आश्रम में लीपते थे, तुम्हें याद है क्या वो दिन। कन्हैया हाथ बोजोड़ के सुदामा से बोल सुदामा क्या वो दिन भूल सकता हूं मैं। सुदामा जो जीवन मैंने गुरुजी के आश्रम में जिया था, जो जीवन मैंने वृंदावन में गोपियों के साथ बिताया था, कभी उसको भूल थोड़ी सकता हूं। भैया मुझे उन गोपियों की मां यशोदा की और सुदामा तुम्हारी याद सदा आती रहती है। भगवान को जब पुरानी याद दिलवाई तो आंखें भर आई। देखो भाई कोई बाल सका होता है ना, वही पुरानी बातें याद दिला करके दिल को गीला कर देता है, पुरानी बातों से भिगो देता है। दोनों भाई गले लिपट जाते हैं। कन्हैया बोल पड़े सुदामा आओ तुम्हें दरिया किनारे दिखाता हूं, समुद्र किनारे दिखाता हूं। सुदामा जी बोल पड़े कन्हैया दरिया किनारे तू तेरा तू ही देख, मुझे तो आज मेरी झोपड़ियां की याद आ रही हैं। तेरी भाभी ने कहा था कि द्वारिका जाकर मुझे भूल मत जाना, मुझे कई दिन हो गए आए हुए, आज तो मैं पुनः अपने गांव जाऊंगा नगर जाऊंगा। जब जाने की बात कही सब ध्यान देना, जाने की बात कही कहते ही भगवान कृष्ण सुदामा जी के पास में आए और गले में जो हीरो का हार पहने हुआ था उसको खोल लिया, बाजू बंद थे उसको खोल लिया और
फटी पुरानी जो धोती सुदामा पहन के आए थे उसको बड़े जतन से रखा हुआ था, वो धोती लाए, लो सुदामा अपनी धोती पहन लो। सुदामा जी मन में सोच रहे, वाह भाई वाह, जब तक अपने पास में रखा है तब तक जरी की धोती पहनाई है मुझे, और आज वापिस भेज रहे हैं तो वही फटी पुरानी अपनी धोती पहन ली। जब तक द्वारिका में रहे सुदामा जी, चांदी की छड़ी उनके हाथ में थी और वापिस वही टेढ़ी मेढ़ी जो लकड़ी लेके आए थे वही लकुटी हाथ में दे दी। लो सुदामा, सुदामा जी ने फिर याद दिलाया है, अब जो भाव है ना वो भाव हम कथावाचकों के हैं, वो भाव भागवत के नहीं है, थोड़ा रोचक बनाने के लिए भाव देते हैं। बाकी सुदामा जी ऐसा नहीं सोच सकते हैं, सुदामा जी इनका कन्हैया तो फिर मैं चलता हूँ, समझ गए ना आप क्यों कह रहे हैं, तेरे कुछ देना है तो दे दे, मैं तो रवाना हो रहा हूँ, लेकिन भगवान तो देना ना जानते नहीं, इसी का नहीं देना। बोले हाँ हाँ सुदामा आराम से जाना, भूल गए थे ना वैसे रास्ता मत भूल जाना, जरा अपना ख्याल करना। तो कन्हैया फिर मैं जा रहा हूँ। बोले हाँ भैया आराम से जाना, भाभी को मेरा प्रणाम कहना। दरवाजे तक सुदामा जी को भगवान छोड़ने आए, फिर सुदामा जी ने हाथ जोड़े, कन्हैया फिर मैं चलता हूं। बोले हाँ सुदामा घर जाकर पत्र जरूर भेजना पहुंचने का, और भाभी को मेरा प्रणाम बोलना। इतना कहा और विदाई दे दी। सुदामा जी मन में सोच रहे, वाह रे वाह, चोर कहीं का, इसने लेना सीखा है देना सीखा ही नहीं इसने, इसको तो मैंने 3 मुट्ठी चावल दे के गमाए। ये माखन चोर कहीं का, भक्तों के चित्त को चुराने वाला, गोपियों के कपड़े चुराने वाला, देना जानता ही नहीं है देना सीखा ही नहीं है। गए समंदर पार फिर भी न कटा कलेश, जैसे कंता घर रहे वैसे ही प्रदेश। देखो भाई को कमाई करने के लिए समंदर पार जाता है, दूर देश की यात्रा करने जाता है और खाली हाथ लौट जाता है तो उस घर का हाल क्या होता है, हाल खराब होता है ना। सुदामा जी सोच रहे, मैं इतनी दूर आया हूँ, अब मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी पत्नी सुशीला से क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा मैं उसको। लेकिन अब भाव सुदामा के हैं, सुदामा जी कह रहे हैं, अरे मेरा कन्हैया जो चाहता है वही श्रेष्ठ है मेरे लिए, मेरा कृष्ण जो चाहता है उसी में हित है मेरा। और वास्तव में बंधुओं जो भगवान करते हैं उसमें जीव का हित है। अब तो भाई डाकुओं को सूचना मिल गई गुप्तचरों के द्वारा कि श्री कृष्ण के कोई मित्र आए थे, उनका नाम सुदामा है और पता नहीं कितना धन दौलत उसको दिया, हीरे मोती दिए होंगे। तो डाकू लोग एक जंगल में सुदामा जी को घेर लेते हैं और कह रहे, जो द्वारिकाधीश ने जो धन दिया है, हीरे मोती दिया है, सोना दिया, हमारे को दे दो। सुदामा जी ने कहा, क्या दिया है तेरे ठाकुर ने, कुछ नहीं दिया है, मैं दे के आया हूं 3 मुट्ठी चावल उनको। तो आके देखा तो एक नगीना भी नहीं मिला उनके पास, कुछ नहीं मिला, एक अंगूठी भी नहीं देके भेजा सुदामा जी को। तो डाकू लोग धक्का देकर चले गए। सुदामा जी को होश आया, हे कृष्ण यदि आप एक अंगूठी भी देके भेजते, एक हीरों का हार, एक मोतियों की माला देकर भी भेजते तो डाकू लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते, ये डाकू लोग मुझे जंगल में मार डालते, धन मरवा देता है। सुदामा जी धन नहीं देकर के प्राण बचा लिए। सुदामा जी धन्य है कृष्ण, धन्य है, तेरी मर्जी में जो मर्जी मिला दे उसका जीवन सदा खुशहाल रहता है। तूने आज मुझे धन नहीं देकर के मेरे प्राण बचा लिए, तूने आज धन नहीं देकर मुझे प्राण बचा लिए है कन्हैया, तू सच्चा संगी है मेरा। अब तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सुदामा जी अपने नगर में आए। अब नगर में आए, जहां झोंपड़ी थी वहां अब झोंपड़ी नहीं है, वहां तो बड़ा महल खड़ा है। सुदामा जी कभी इस गली में कभी इस गली में घूम रहे हैं, लगता है कोई लश्कर आया होगा, कोई राजा आया होगा, कोई लुटेरा आया होगा जिसने मेरी झोंपड़ियां उखाड़ के फेंक दिया है और ये नगर बसा दिया है। सुदामा जी दुखी होकर इधर उधर घूम रहे थे, इतने में ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी झरोके में झांक रही थी। उन्होंने देखा कि सुदामा जी पसना पसना हो रखे हैं और बाहर घूम रहे हैं, झट से दौड़ के आई, महाराज चलिए।
सुशीला को जरी की साड़ी पहने हुए, हीरों के हार, मोतियों की माला, सर पे मुकुट देखा, सुदामा जी बोल पड़े, अरे सुशीला तू किसके सेविका बन गई है, ये धन तुम्हारे पास कहाँ से आ गया है। उसने कहा महाराज मैं तो आपकी सेविका हूँ, आपकी दासी हूँ, तो धन कहाँ से आया तुम्हारे पास में। महाराज जिस दिन आप द्वारिका गए थे उसी दिन भगवान के परम भक्त विश्वकर्मा जी यहाँ पर आए और आपके लिए निवास करने के लिए ये सुंदर नगर बना दिया है, नगर बसा दिया है। अब तो भाई सुदामा जी राजमहल में प्रवेश करते हैं। राजमहल कैसा बना हुआ है, पहली पोल मदमस्तक हस्ती, दूजी तुरंत खड़े, जैसी द्वारिका पूरी है वैसी सुदामा पूरी। पहली पोल में प्रवेश किया तो मदमाते हाथी झूम रहे हैं, दूसरी में हाथी घोड़े हिरन आ रहे हैं, तीसरी में विश्वकर्मा जी बैठे हैं, चौथी के अंदर सुंदर गौशाला बनी हुई है। जहां जहां सुदामा जी गुजरते हैं वहां वहां बड़े बड़े सुंदर देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। हाथी घोड़े बगीचा गौशाला और उस सुंदर दिव्य भवन के अंदर एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। जैसे द्वारिकाधीश द्वारिका में है वैसी की वैसी प्रतिमा यहाँ सुदामापुरी में विराजमान है। सुशीला सामने आई, हाथ जोड़ के बोल पड़ी, पतिदेव इन्हीं द्वारिकाधीश की कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। सुदामा जी बोल पड़े, सुशीला एक झोपड़ी में रह करके, एक अभावग्रस्त जीवन जी करके, गरीबी में जीवन जी करके, प्रभु को याद करने से ये सब भंडार भर गए हैं। आज तक राजमहलों में रह करके, शान शौकत में रहकर किसी ने प्रभु को प्राप्त नहीं किया है, किसी ने भगवान को रिझाया नहीं है। महान त्यागी परम तपस्वी सुदामा जी ने कमंडल में से हाथ में जल लिया है और दान का संकल्प पड़ा है और जो भगवान ने वह दिव्य भवन उनको दिया था वह भक्तों के लिए उन्होंने दान कर दिया, भक्तों के लिए धर्मशाला के रूप में समर्पित कर दिया है। प्रेम जी जा रहे हैं, प्रेम जी ने रात में बहुत ही सुंदर बद्री संध्या में प्रस्तुतियां दी और अभी आप ये सूरत की गाड़ी हैं तो अभी प्रस्थान कर रहे हैं, केवल मात्र कार्यक्रम देने ही पधारे थे। सुदामा जी ने उस भवन को दान कर दिया, जो बगीचा था उस बगीचे में बैठकर अपनी कुटिया बनाई, वहीं तपस्या करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए लंबे समय तक आराधना की और सह शरीर भगवत धाम को पधारते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देखो बंधुओं, इस चरित्र से समझने की बात क्या है,
इस चरित्र से सीखने की बात यह है कि कोई भगवान का भक्त है तो दुखी दर्दी नहीं रह सकता। भगवान अपने भक्त को कभी कमजोर नहीं रहने देंगे। यदि भगवान के भक्त हैं तो हम हैं दुनिया के भक्त, हम हैं दिखावे के भक्त, हम हैं शान शौकत के, हम हैं वस्तुओं के भक्त, व्यवस्थाओं के। यदि सच में परमात्मा के भक्त हैं, सच में भगवान की चाहत है, परमात्मा की इच्छा है, तो भगवान अपने स्वरूप को चाहने वालों, अपने निजी भक्तों का निजी इच्छा रखने वालों को कभी दरिद्र, कभी गरीब, कभी दीनहीन नहीं रहने देते हैं। इसलिए केवल एकमात्र परमात्मा को भजिए, भगवान का ही ध्यान कीजिए, भगवान को ही स्मरण कीजिए, भगवान के ही बन जाइए। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े, सुदामा चरित्र सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोल पड़े, परीक्षित भगवान की रानियों में हर रानी के 10-10 पुत्र हुए। इधर भगवान शिव जी अंबा के सहित आज जामवंती कोख से उत्पन्न होते हैं, इनका नाम रखा सांब। सै अंब, अंबा के सहित साक्षात शिव प्रकट हुए। एक दिन की बात, भगवान द्वारकाधीश ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास में बुलाया और कहा, पुत्रों आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो भगवान के पुत्र तो बोल पड़े, किसी ने का राज्य का विस्तार करना है, किसी ने का राजमहल बनवाने हैं, किसी ने का धन इकट्ठा करना है, किसी ने का हमें पद चाहिए। भगवान ने कहा, ये कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ी है, जीवन का लक्ष्य मात्र ईश्वर की प्राप्ति है। रूप यौवन संपत्ति प्रभुताम अविवेकता एक ही नर्थाए कि भगवान ने कहा, बालकों रूप यौवन संपत्ति और प्रभुता, ये चार चीजें हैं। इन चारों में से कोई एक भी चीज हो और विवेक नहीं हो तो व्यक्ति नष्ट रहता है। आपके पास में एक नहीं चारों हैं। मुझ कृष्ण के पुत्र हो इसलिए सब रूपवान हो, सबकी युवावस्था है। राजा के बेटे हो इस धन की कमी नहीं है, और राजकुमार हो तो पद भी तुम्हारे पास में है, लेकिन बुद्धि तुम्हारे पास है नहीं, विवेक तुम्हारे पास है नहीं। हे बालकों, चारों चीजें बिना विवेक के पतन करने वाली हैं। इसलिए मैं जो कहता हूं उसका ध्यान दो, समाज की सेवा करो, धर्म का पालन करो, गायों की सेवा करो और संतों की सेवा करो। न कभी संतों की परीक्षा करना, महात्माओं के वस्त्रों का पालन करो, उपदेश दिया। एक दिन की बात, संयोग ऐसा हुआ, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, च्यवन, भृगु, दुर्वासा, ये कई ऋषि मुनि द्वारिका में भगवान के दर्शन करने आए, तो तपस्वी महात्माओं ने द्वारिका के बाहर डेरा डाल दिया। सूचना मिलती द्वारिका में कि कई संत महात्मा द्वारिका के अंदर दर्शन करने के लिए आए हैं, तो सभी लोग उन संतों के दर्शन करने जा रहे हैं। राजकुमारों ने कहा, हमें भी चलना चाहिए। तो राजकुमार सांब सबके सामने आया और कहता है कि हम जब तक संतों की परीक्षा नहीं कर लें तब तक हम उनको प्रणाम नहीं करते हैं, उनको मानते नहीं हैं। तब और जो बालक लोग थे उनमें कहा, सांब महाराज आप भी बता रहे हैं, माटोलिया जी गौ भक्त हैं बड़े, और आप भी सूरज से विशेष करके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पधारे हैं। सामने का हम जब तक परीक्षा नहीं कर लें तब तक हम नहीं मानते हैं। तो और बालकों ने कहा, कैसे परीक्षा करोगे? तो सांब का शरीर था औरत के समान था। देखो भगवान शिव जी का चेहरा है, ये माताओं बहनों से मिलता जुलता है, लेकिन जब अंबा का चेहरा आधा मिल गया उनमें तो पूरा चेहरा सांब का औरत के समान हो गया।
न दाढ़ी थी न मूंछ थी, औरत जैसा चेहरा था उसका, था पुरुष। उसने कहा एक काम करो, मेरे को कपड़े पहना दो, पेट के इतने कपड़े बांधो कि कोई गर्भवती औरत के समान लगे, और संतोष जाके पूछो कि लड़का होगा कि लड़की होगी। संत तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं तो बता देंगे, नहीं तो हमें वैसे मालूम हो जाएगा क्या प्रणाम करना है। अब तो भाई कपड़े बांध के उस शाम को औरत के भेष बना के लेके आए हैं, संतों के बीच में पहुंचे, एक बालक ने हाथ जोड़े और कहा महाराज हमारे भाभी जी हैं। बोल तो क्या महाराज, इनके लड़का होगा लड़की होगी, आप ये बताइए। तो संतों के बीच में बैठे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ने कहा बालकों संतों के पास में इस संसार की बात करना उचित नहीं है, चले जाओ यहां से। अब देखो भाई हमें भी इस बात का सुधार करना चाहिए, तो ज्ञानी व्यक्ति मिलता है, संत महात्मा मिलते हैं, तो हम क्या पूछते हैं उनसे, महाराज हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, बेटा नौकरी लग जाए, हमारे पोता हो जाए। ये सब अपने कर्मों से प्राप्त होते हैं। आपने आज अच्छा कर्म किया है तो कल अच्छा भाग्य बन जाएगा आपका, कल का किया हुआ कर्म आज का भाग्य है। इसलिए संत महात्मा मिले, ज्ञानी व्यक्ति मिले, उनसे पूछो कि भव सागर से पार कैसे होएं, हमारा कल्याण कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो। दुनियादारी की बात नहीं पूछना चाहिए। भागवत के प्रथम दिन भक्ति देवी ने नारद जी महाराज से हाथ जोड़ के बात कही थी, भो साधो क्षणम तिष्ठे, हे साधु महाराज एक क्षण रुकिए। भक्ति ने यह नहीं कहा एक घड़ी रुको दो घड़ी रुको, महाराज एक क्षण रुक जाओ। इसका कारण क्या है कि संत का क्षण और अन्न का कण ग्रस्त व्यक्ति से बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम ग्रस्तों के द्वारा अन्न का कण और संतों का क्षण ये कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। दुर्वासा ने कहा जाओ यहां से। बालक लोग सामने आए और कहा महाराज चले तो जाएंगे लेकिन आप बताओ कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अब तो दुर्वासा को इतना क्रोध आया कि आंखें लाल हो गई, आंखों में लहू उतर आया। बालकों भलाई सी में निकल जाओ यहां से। बोले महाराज चले जाएंगे, जाने के लिए आए हैं, आप तो बता दो लड़का होगा लड़की होगी। अब तो भाई दुर्वासा ने कड़क करके एक श्राप दे दिया है, दुष्टों कहीं के संतों की परीक्षा करना चाहते हो जाओ, इसके न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके तो फौलाद का मुसल होगा, उस यदुवंश का नाश हो जाएगा। श्राप दे दिया कि इसके लोहे का मुसल होगा। अब सामवादी बालक लोग दौड़कर राजमहल में आए, पेट के कपड़े खोलते हैं तो उनमें लोहे का मुसल धम से जमीन पर गिरता है। अब तो सबके सब दुखी हो गए, अरे अब क्या करें हम, श्राप लग गया है। तो सबके सब अक्रूर जी के पास में गए, अक्रूर जी से कहा तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक शिला पर बैठ जाओ, चंदन की तरह घिसो उसको और बारीक चूर्ण बन जाए ना, तभी इकट्ठा के समुद्र में डाल दो और समुद्र पूरे फैला देगा, हथियार बनेगा नहीं, फिर आप मरोगे नहीं। देखो भाई हथियार में तो छोटे छोटे हथियार क्या है, तीर, तीर में भी 10-20 ग्राम तो लोहा आगे चाहिए ना। तो बोले इसे चूर्ण बना दो, बारीक पीस दो इसको आटे की तरह और समुद्र में डाल दो, हथियार बनेगा नहीं, आप मरोगे नहीं। तो चंदन की तरह घिसा, अंत में छोटा सा टुकड़ा बच गया, उसको भी समेट करके समुद्र में फेंक दिया। अब तो भाई यदुवंशी लोग उन्मत्त हो गए। देखो जब तक मृत्यु का भय रहता है, जब तक भगवान का भय रहता है, जब तक समाज का माता पिता का भय रहता है, तब तक व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है, सच्चे रास्ते पे चलता है। संतों ने एक बात कही है, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया काफिल खाई मार। हमें हरि का भगवान का डर है, गुरु का डर है, हरि डर गुरु डर जगत डर, जगत का डर है, माता पिता का, भाई बंधु का, सास का, अपने पराये का डर है, तो हम डर के चक्कर में भी समाज में व्यवहार अच्छा करेंगे। जिस दिन डर मिट जाता है, और आज तक